हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका वंडर एकेडमी में। और जो हमारा कोर्स चल रहा था फंडामेंटल ऑफ टैली प्रैक्टिस का, तो उसी सीरीज में काफ़ी दिन से हम डिसकंटिन्यू रहे, तो उसके लिए सॉरी। और हम दोबारा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली प्राइम का फंडामेंटल कोर्स। तो इस कोर्स के में आपके लिए क्या क्या कवर किया जाएगा लेवल वन में, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो चैप्टर जो वन है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट टर्मोलॉजीज यूज इन अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ चीज़ें आपके साथ पहले जो वीडियोज हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले के नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ, आप जाके हमारा जो चैनल है इसमें जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम फंडामेंटल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री करके प्लेलिस्ट दिया, इसमें 6 वीडियो भी प्रेजेंट में ऐड है और ये जो जो क्लास में आपको बना रहा हूँ ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना। तो सबसे जो प्राइमरी प्रोसेस हमारी कही जाती है जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन, वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसके अलावा हम समझेंगे साथ ही सब्सिडियरी बुक्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स। तो इसमें हम समझेंगे कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है, पिटी कैश बुक कॉन्सेप्ट क्या होता है, परचेज जनरल बुक और सेल्स रिटर्न, जनरल बुक परचेज रिटर्न, तो जो हम परचेज करते हैं तो परचेज को रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, इसी तरीके से सेल्स के लिए सेल, और जब सेल करेंगे तो सेल रिटर्न, जनरल बुक, ठीक है, और जनरल प्रॉपर कंट्रोल अकाउंट्स। और समझेंगे हम डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल किस तरीके से बनाया जाए। उसके बाद अपन समझेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो उसमें एडवांटेजेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, तो हम समझेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट कंक्लूजन होगा कि नोट्स जो हमने क्या क्या चीज सीखी एक बार उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर, जिसमें कुछ आपको असेसमेंट दिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ आपके MCQs होंगे, जिससे कि जो एग्जाम होगा आपका उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद चैप्टर टू हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हमें टैली प्राइम के बारे में पूरा बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन टैली प्राइम है क्या, टैली प्राइम के फीचर्स क्या क्या हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है टैली प्राइम को, और टाइप ऑफ लाइसेंस टैली प्राइम, टैली प्राइम में लाइसेंसिंग के जो टाइप्स हैं क्या क्या हैं, और एक्टिव न्यू लाइसेंस करना तो क्या किया जाएगा, और अगर रिएक्टिवेट लाइसेंस करना है टैली प्राइम तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हम आगे समझेंगे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट किस तरीके से वर्क होता है, और वर्किंग टैली प्राइम इन एजुकेशन बोर्ड, अगर आपने टैली परचेज नहीं किया फिर भी आप टैली में वर्क कर सकते हैं एजुकेशन बोर्ड में, तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे वो भी हम सब चीज़ें समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कंपनी क्रिएशन एंड सेटिंग अप कंपनी फीचर्स इन टैली प्राइम और गेटिंग स्टार्टेड विद टैली प्राइम, ठीक है। हम टैली प्राइम के नेविगेशन है उनको समझेंगे, जिसमें हम एनीवेयर कहीं भी टैली प्राइम में स्विच कर सकते हैं उन कमांड्स को, और फिर कॉन्फ़िगरेशन इन टैली प्राइम किस तरीके से किया जाता है, कंपनी को अल्टर कैसे किया जाएगा सेट कंपनी, और फिर सेम कंक्लूजन नो की टेक अवे एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ठीक है। एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये
ये इम्पोर्टेंट कब है, जब आपने प्रॉपरली जब वीडियोस देखे होंगे, और हम आपको पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप प्रॉपर रीड करेंगे, उसके बाद आप जो की टेक अवे है वो इजीली रहेगा आपके लिए लेना, और जो एग्जाम प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो उसके लिए हम टेस्ट भी वीकली अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में हम समझेंगे मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो इंट्रोडक्शन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, क्रिएशन ऑफ मास्टर इन टेलीप्राइम, तो अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंटरी मास्टर, जैसे कि हम जानते ही हैं अगर आपने आरबीआई में बात किया होगा तो, और अल्टरेशन ऑफ मास्टर इन टेलीप्राइम, किस तरीके से अल्टरेशन करना है, और डिलीटेशन ऑफ मास्टर इन टेलीप्राइम, अल्टर मतलब चेंज करना, और डिलीटेशन में हम उसको हटाना चाहते हैं, लेजर्स एक्स्ट्रा बन गए, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किस तरह का आइटम एक्स्ट्रा बन गए। तो मल्टी मास्टर क्रिएशन डिस्प्ले, आप एक साथ कई सारे लेजर्स ग्रुप स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी हम सीखेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन नोट्स, की टेक अवे, शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टेलीप्राइम में काफ़ी शॉर्टकट की है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी, जो हम नॉर्मल जो यूज करते हैं शॉर्टकट की, कुछ शॉर्टकट की चेंज हो गई है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पुराना शॉर्टकट की परफॉर्म करेंगे तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, कमांड परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। इसमें आई थिंक 8 चैप्टर हैं आपके जो आपको कराए जाएंगे, तो चैप्टर 4 जो रहेगा हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाउचर्स इन टेलीप्राइम। तो आप देख सकते हैं रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट और क्रेडिट और जनरल वाउचर। इसके अलावा भी हमारे पास टैली में कई सारे वाउचर होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी और बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले वाउचर्स हैं, इसीलिए सर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक में ये वाउचर्स हमारे कवर किए गए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, अगर आप अपने बिजनेस का ऑटोमेशन मोड पे वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर आप जिस ओनर पे वर्क करते हैं एज अकाउंटेंट, वो अपना जो बिजनेस का अकाउंटिंग वर्क है पूरा ऑटोमेशन मोड में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो उसके लिए ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन काफ़ी मात्रा में करने पड़ते हैं, तो लेकिन उसका प्रारूप चेंज हो गया, स्वरूप बदल गया, लेकिन उसके बाद भी हमें करने होते हैं। तो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन बैंकिंग फीचर्स का और बैंकिंग पेमेंट्स के बारे में, उसके बाद इम्पोर्टेंट चेक प्रिंटिंग, सिंगल चेक प्रिंटिंग, सिंगल हमें चेक प्रिंट करना है तो कैसे हम करें टैली की हेल्प से, मल्टी चेक प्रिंटिंग किस तरीके से करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट स्लिप, जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या हमें अगर कैश रिसीव हुआ तो उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए जो स्लिप है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाए, और पेमेंट एडवाइस किस तरीके से टेलीग्राम में बनाया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BSR BR यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, और एस लग जाएगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं या फिर ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होगा वो भी मतलब जैसे जैसे लेवल आपको होता जाएगा वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आती जाएंगी। तो यहाँ पे रहेगा जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट NMIS। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल जो अकाउंट होते हैं वो आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, देख लेते हैं। इसमें हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस डीप में पैके के साथ में, क्योंकि हमने जो पहले हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो ब्लैंक होगा, लेकिन अब जो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हमने ट्रांजेक्शन कर की एंट्रीज कर रखी होंगी, उसके बिहार पे हम उनको देखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है, एनालिसिस रिपोर्ट, रिसीव एंड पेमेंट्स, अगर आप NGO या फिर जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए MIS रिपोर्ट्स किस तरीके से आपको टैली प्रिपेयर करके देती है, उसमें आपका आ जाएगा MIS में स्टॉक समरी,
डेबुक, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर और जनरल रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिंपल है। तो टैली में किस तरीके से हम अपने डाटा सिक्योर करके रख सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद हम समझेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स टैली में हमारे लिए किस तरीके से दिए गए हैं, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल लेवल्स, यूजर आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं वर्क कराने के लिए, उनको कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं काम करने से, उन्हें सिर्फ डाटा एंट्री की परमिशन रहेगी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है एक कंपनी के अंदर, और एसेसिंग द कंपनी यूजिंग सिक्योरिटी लेवल, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने सिक्योरिटी इनेबल कर दी, उसके बाद किस तरीके से टैली कंपनी का यूज कर सकते हैं, ऑटो लॉगिन, टैली बोर्ड, ये सारी चीजें कवर होगी चैप्टर नंबर 7 में डाटा सिक्योरिटी के तहत। और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा कंपनी डाटा मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने बैकअप नहीं लिया था और डाटा करप्ट हो गया था। कई कंडीशनों में डाटा वापस आ जाता, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ डाटा वापस नहीं आ पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम प्रॉपर तरीके से जो टैली का डाटा है, हमारी कंपनी का डाटा है, उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखें। तो बैकअप किस तरीके से वो कंपनी का डाटा का लेना, इंट्रोडक्शन किस तरीके से, सॉरी रिस्टोर किस तरीके से करना है कि कभी अगर आपका मिस हो जाता तो आपको जो नुकसान हो वो ना हो, और कंपनी डाटा रिपेयर अगर कभी आपकी डाटा फाइल करप्ट हो जाती है तो उसको रिपेयर किस तरीके से करना उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले जो वर्जन चल रहा था आपका वो था ERP 9, अब जो लेटेस्ट वर्जन आया वो है टेलीप्राइम 2.0, फिलहाल रिसेंट पे चल रहा है, ठीक है, जो कि 27 जुलाई को रिलीज हुआ। तो टैली ERP 9 में अगर आप वर्क कर रहे होंगे तो किस तरीके से आप डाटा को टैली प्राइम में पहुंचा सकते हैं वो चीजें भी हम यहाँ समझेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके पास मोबाइल में रख के, वन बाय वन सारे टॉपिक्स वो कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो कल से वन बाय वन हम एज अ पर बुक स्टार्ट कर देंगे अपनी लर्निंग। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और तो ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इससे अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन लगता है जिसको जिसके द्वारा हम जो आपकी लर्निंग का जो जर्नी है उसको और अच्छा कर सकते हैं तो आप बकायदा हमें फ़ोन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं, उसके अलावा हमें कमेंट कर सकते हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ जो BCom, MCom, 11, 12 की स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आप इस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं जो कि कोई जॉब ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर बेसिस पे, तो उनके लिए भी रिलेवेंट है कोर्स, ठीक है। ये फिर ऐसे बिजनेस पर्सन या अकाउंटेंट जो ERP 9 का आज यूज करते हैं और वो प्राइम में अपडेट होना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है ट्रेनिंग लेने का, तो ये जो हमारा कोर्स है इसमें प्रॉपर वन बाय वन स्टेप आपको फॉलो कराया जाएगा, तो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके टैली प्राइम को सीख सकते हैं। तो टैली का मोटो ही हमारा पहले से ही रहा है कि पावर ऑफ सिंपलिसिटी, और जो टैली प्राइम आया है इसका जो टैगलाइन ही है कि मेक एवरीडे सिंपल, ठीक है, तो जो आपका हर दिन आपको इजी बनाएगा, सिंपल बनाएगा, ये हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, हालांकि मैं आपको करा चुका हूँ ये चैप्टर पूरा, ठीक है, लेकिन हम एक बार इसको दोबारा इस पर बुक्स स्टडी कर लेंगे, क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एज पर जो टैली की ऑफिशियल बुक है उससे आप उसको पढ़ो, ठीक है।
Thank you for watching this video.